अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए मैं आज आपको यहाँ एक स्टॉल खड़ा हुआ है बंस रोड पे, उसकी ये देखें ये लड्डू बना रहे हैं ये। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बन रहे हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले इसमें क्या डाला था? पानी। जी, पानी डाला था। अच्छा, नहीं उसमें कुछ और चीनी वीनी मिक्स करी, गुड़ डाला था। अच्छा, उसको आपने फिर यूँ पकाया? पकाया, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या चीज़ डाली आपने? ये मुरमुरे डाले, मुरमुरे डाल दिए। अच्छा, इसको आप ये भून रहे हैं इसमें ना, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें आप, अक्सर बच्चे खाते हैं ना, आपने लिए होंगे, लेकिन ये बनते कैसे हैं तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बनाए किस तरह से जाते हैं। देखिए इस तरह से सारा इसको मिक्स कर रहे हैं ये। अच्छा, ये देखें इन्होंने और डाल दिया है ये। ये देखें ये सब चीज़ें इनके यहाँ रखी हुई हैं। ये भी, ये आपके क्या प्राइस है इसकी? 120 रुपये आधा। अच्छा, और ये लच्छे का पैकेट कितने का है? का ये आधा पाव। ये कितने का है? 100 रुपये का। देखिए ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ले लें है ना। ये तो रेडी है ना आपका? ये भी बनता हुआ दिखाएंगे क्या? नहीं नहीं, ये मशीन से बनता है। अच्छा चलें, ये तो हम ले लेते हैं ना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और ये क्या गजक है आपके, ये कितने का पैकेट है? ये 100 रुपये का आधा पाव। हाँ, 125 ग्राम। अच्छा, एक ये भी ले लेते हैं है ना। ये कैसे बनती है? ये चीनी और पिसा हुआ तिल होता है। अच्छा, ये गुड़ की नहीं है? गुड़ वाली नहीं है, गुड़ वाली नीचे पड़ी। अच्छा, मुझे तो गुड़ वाली चाहिए, वो नीचे पड़ी है। ये बना रहे हैं, ये देख, ये वाली गुड़। अच्छा, ये अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए ये अब ये बनाएंगे इसको, जो मैंने आपको दिखाया ना अभी मुरमुरे के लड्डू, तो अब ये इस तरह से करते हैं इसको। अच्छा, ऐसे देखें, ये देखिए कितना बड़ा सा बेलन है इनका। ये देखिए किससे इन्होंने इसको बिल्कुल रोटी की तरह से कर लिया है, या आप समझे पिज़्ज़ा, बड़ा सा पिज़्ज़े की टाइप से इन्होंने इसको बना लिया है। ये देखिए, देखिए कितना बड़ा सा बेलन है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है इतना बड़ा बेलन ना, हमारा जो बेलन होता है वो तो छोटा सा होता है। देखें ये एक नई चीज़ इन्होंने निकाली है, ये इससे कट कर रहे हैं ये। ये भी बड़ा आसान तरीका है, वरना छुरी से काटें तो काफ़ी मेहनत होगी। अच्छा देखिए, ये इन्होंने कट कर लिया है इससे। अब क्या आप इसको सूखने देंगे अभी? जी जी। अच्छा, कितनी देर तक सूखने देंगे? बस 5 मिनट आप इसको सुखाएंगे, फिर ये तैयार हो गए है ना, फिर इनको पैक कर देंगे हम जी। अच्छा अच्छा, आपके पास एक रेडी है, ज़रा दिखाइएगा। पहले से तैयार है आपके पास कोई? बस यही तैयार होएगा अभी। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये कितना बड़ा सा बना है। अभी अभी इन्होंने थोड़ा सा सूखने के लिए इसको रखा है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बन रहा है ये। 390 रुपये। अच्छा, जब तक ये सूखता है मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ इनके पास और क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, ये इसके क्या प्राइस हैं? 100 रुपये का 10 लड्डू। अच्छा, सब ऐसे ही हैं 100 रुपीज़ के ना। ये क्या चीज़ है? ये कोबरे की मिठाई। अच्छा, ये कितने का पैकेट है? 100 रुपये। ये भी 100 का हो गया। अच्छा, और ये बेसन के लड्डू 100 रुपये। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये भी वो है, तिल के लड्डू। ये यही चीज़ लग रही है मुझे, तिल लग रहे हैं ना ये? तिल है। हाँ, तिल और गुड़।
तिल का, ये भी 100 का है? ये भी 100 का। अच्छा, और ये मुरमुरे के लड्डू है ना जो ये आप ये चीज़ बना रहे हैं, एक आप इस शेप में भी बनाते हैं है ना, ऐसा भी बनाते हैं, तो ये कितने का होता है? 150। ये बना रहे हैं ये 150 का। ये देखिए, एक मिनट दिखाइए आप जरा मुझे बनाते हुए। हाँ ये देखें इधर से तो, हाँ देखिए ये देखिए ये लड्डू बना रहे हैं ना जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो पैकेट ऑलरेडी बना हुआ है इसका, ये देखें इस तरह से बन रहा है ये। अब आप इसको सूखने के लिए रख देंगे? नहीं बस ये सूख जाएंगे जब तैयार हो जाए। अच्छा ये देखिए इस तरह से लड्डू जैसे बना बना के ये यहाँ रखते जा रहे हैं। चीनी वाली बनी हुई है छोटी वाली, ये जो गुड़ है ये रखिए। हाँ भैया तो अच्छा ये एक ये भी है रेवड़ियों की, ये कितने की दे देंगे? ये कितने की हो जाएगी? ये 250। ये 250 की हो जाएगी, देसी घी वाली। अच्छा देसी घी में, ये क्या चीज़ है? ये गजक है हैदराबादी। अच्छा ये कैसी गजक है? हैदराबादी गजक है। ये कितने की है? ये 300 रुपए की है। ये तीन, ये जरा नई सी चीज़ लग रही है ना? ये यहाँ की नहीं है, हैदराबाद भाई वो दे हैदराबाद की है। ये लड्डू की थैली, ये मतलब आपने खुद नहीं बनाई है? ये हैदराबाद से बनती है। अच्छा वहाँ की जो है ना मशहूर। अच्छा जो आप बना रहे हैं ताज़ी ताज़ी वो यही है ना? और ये इसके क्या प्राइस है, ये मूँगफली के? इसके 240 एक पाव। अच्छा तो अच्छा आप अभी कोई और भी चीज़ कह रहे थे कि अभी एक और चीज़ बनाएंगे आप? यहाँ पे बनता रहता है, अभी ये बनाऊंगा मूँगफली वाला। अच्छा ये बन गया आपका, ये कम्प्लीट हो गया भाई। तो दोस्तों मैं अपनी व्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने देखिए आपको वो मुरमुरे बनते हुए भी दिखा दिए हैं और इस स्टॉल पे क्या क्या मिल रहा है मैंने आपको ये भी चेक करवा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।